नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर पांच नंबर के बारे में। पांच नंबर मतलब कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 14th 14th तारीख को या फिर 23rd 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 को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। पांच नंबर वालों के लिए 2021 का साल कैसा जाने वाला है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पांच नंबर वालों के लिए 2021 के साल की अगर कैलकुलेशन देखें तो यहां पर सबसे पहले पांच नंबर किसका नंबर है? पांच नंबर बुध का नंबर है। 2021 के साल को भी लेंगे तो 2+2+1=, यहां पर भी नंबर आता है 5, यह भी आता है बुध का नंबर। तो यहां पर जो कंजेक्शन बन रहा है बुध प्लस बुध का, यह काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाता है यहां पर। जी हाँ दोस्तों, पांच नंबर वालों के लिए यहां पर 2021 का साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैलकुलेशन में रखूंगा कि इंपॉर्टेंट साल रहेगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या ऐसा जरूरी यहां पर होने वाला है, क्या ऐसा जरूरी यहां पर दिखने वाला है। पांच नंबर का साल जो रहेगा ये आपके बुद्धि का साल रहेगा, आपके स्व विवेक का साल रहेगा, आपके दिमाग का साल रहेगा। आप किस एंगल पे, किस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किस लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, ये उसका साल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पांच नंबर का जो साल रहेगा ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साल रहेगा। आपको हर एक डिसीजन इस साल में बहुत ज्यादा सावधानी के साथ लेना है, बहुत ज्यादा सोच विचार करके लेना है जिससे कि आपको फायदा मिले, नहीं तो आपको वहां पर परेशानियां हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। स्पेशली वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि देखिए बुध किसका कारक है? बुध फाइनेंस का कारक है। बुध किसका कारक है? बुध मनी का कारक है। तो फाइनेंस मनी के इशू और मैटर को देखें यहां पर तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी है तो आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। बिजनेस आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, आपके काम बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आप अपने लेवल पे चीजों को अच्छे लेवल पे बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो फाइनेंशियली 2021 में आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्याएं, कोई भी परेशानियां नहीं होंगी, ऐसे क्लियर चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो 2021 फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियली 2021 आपको बहुत अच्छे लेवल में फायदा देगा और आप अपने आप को काफी अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हैं 2021 में। यहां पर पारिवारिक माहौल की अगर बात करें तो आपके लिए पारिवारिक माहौल भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है, शादी करना चाहते हैं तो भी काफी अच्छे संयोग बनेंगे, शादी आप कर सकते हैं इस साल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर के साथ भी आपकी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी और वहां पर भी आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी जिसके कारण से आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और संतान पक्ष से भी आपका समय जो है वो अच्छा जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, बच्चे की तरफ से आपको कोई ना कोई फायदा हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। विद्यार्थी अगर आप हैं, अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं या किसी भी तरह से अगर आप एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे सुखद समय ये रहने वाला है, सबसे अच्छा समय ये होने वाला है। यहाँ पर अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पे कोई एग्जाम देना चाहते हैं आप बिल्कुल दे सकते हैं, आप सरकारी एग्जाम, आप बैंक के एग्जाम, आप फाइनेंस के एग्जाम, आप सेबी के एग्जाम आराम से दे सकते हैं, आप लॉ के एग्जाम दे सकते हैं, आप काफी अच्छे रिजल्ट आपको इसमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस यहां पर बिल्कुल बनते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये जो साल रहेगा ये आपके रोजगार का साल रहेगा, ये आपके फाइनेंस का, आपके बिजनेस का साल रहेगा, आपके काम का साल रहेगा। तो यहां पर आपकी नौकरी लग सकती है, यहां पर आपका बिजनेस सेट हो सकता है, यहां पर आप कहीं ना कहीं कोई अच्छा कार्य जरूर कर सकते हैं, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। आपके परिवार में कोई ना कोई शुभ काम भी होने के चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था भी बढ़ेगी और परिवार में कोई मंगल कार्य हो ऐसी भी संभावनाएं यहां पर दिखाई देती है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो ये साल आपके लिए विशेष उपलब्धियां लेके आने वाला है।
इस साल में आपको कुछ अच्छी चीजें करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इस साल में आपको अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए, अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, जिससे कि आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले और आप अपने आप में कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अच्छा काम कर पाए। बड़े लेवल पे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। जी हाँ, आपकी उच्च अधिकारियों के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहेंगे। ऐसी कोई भी चीज जिसमें बोलने का काम हो, ऐसी कोई भी चीज जिसमें स्पीकिंग इन्वॉल्व हो जाए, वहां पर आप अच्छा ही करेंगे, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे कोई डिबेट हो, चाहे कोई आपको सेमिनार लेना हो, चाहे कहीं पर भी बोलना हो, तो वहां पर आप अपने आप को काफी ज्यादा अच्छा करेंगे। शत्रुओं पर आपका पकड़ मजबूत रहेगी, आप अपने लेवल पे चीजों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे और शत्रुओं को हराने का पूरा पूरा प्रयास यहां पर करेंगे। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही साथ कुछ खुशखबरियां भी आपको मिल सकती है। पुराना रुका हुआ अगर पैसा है आपका, तो वो पैसा आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है, अगर कोई पुराना पैसा है आपका, तो वो पैसा आप तक पहुंच सकता है, वो पैसा आपको मिल सकता है, ऐसे चांसेस क्लियरली यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और अपने फाइनेंस को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य आप कर सकें वो कार्य आपको यहां पर करना है। इससे आपको डेफिनेटली अच्छे परिणाम मिलेंगे और 2021 के साल का आपको पूरा पूरा फायदा उठाना है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जितना हो सके इस साल का फायदा उठा लें और अपने आप को मजबूत कर लें फाइनेंशियली। जो 2020 ने आपको नुकसान दिया वो 2021 आपको यहां पर फायदा दे सकता है। यहां पर अगर देखें हम तो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना जो रहेगा आप सभी के लिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा। इस महीने में, इन महीनों में आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए तो भी आप जा सकते हैं, उसके भी पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो आप बाहर जाके एजुकेशन भी ले सकते हैं, बाहर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसके भी चांसेस अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो आने वाला जो महीना अप्रैल, मई, जून का जो समय रहेगा, ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का महीना और उन डिसीजंस पे काम करने का महीना है। ये समय जो रहेगा इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, कुछ काम नया करेंगे, कुछ नई चीज को शुरू भी कर सकते हैं, ऐसे भी चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। कोई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, इस समय में आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। इसके बाद देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का टाइम जो रहेगा, ये आपके लिए अपनी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बट बैलेंसिंग टाइम रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छे लेवल पर बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो समय रहेगा, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप कोई मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं, कुछ नया काम करने की भी कोशिश कर सकते हैं, चीज़ें आपकी अब अच्छी हो जाएंगी और ये 2021 का साल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। उपाय में आपको क्या करना है, देखिए उपाय में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाय को आप हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिएगा। 2021 में आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। गणेश जी की पूजा आपको पूरी करनी है, गणेश जी के दर्शन आपको करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ कनिष्का उंगली में अगर आप चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना पहनने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजी की सलाह ले लीजिएगा, किसी से बातचीत करके ही आप कोई भी रत्न धारण करिएगा, बिना बातचीत के कोई भी रत्न धारण मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक अच्छी क्वालिटी का रत्न अगर होगा तो वो आपको डेफिनेटली अच्छा फायदा ही देगा। अच्छी क्वालिटी के रत्न, अच्छी तरह से देख के परख के पहने हुए रत्न आपको कभी भी नुकसान नहीं देते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 2021 का साल नंबर 5 के लिए काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा स्ट्रांग जाने वाला है। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 2021 में आप कुछ अच्छी चीजें करते हुए जरूर दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।